त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत बड़वा कस्बा पंचायत क्षेत्र के उम्मीदवार मतदाताओं से घर घर पहुंचकर वोटों की गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं क्षेत्र की कुछ कॉलोनी ऐसी हैं जहां अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। लंबे समय से अव्यवस्था झेल रहे क्षेत्रवासी जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से नाराज हैं। ये क्षेत्रवासी इस पंचायत निर्वाचन में मतदान के बहिष्कार की बात कह रहे हैं। बड़वा कस्बा पंचायत अंतर्गत आने वाले रेवा नगर की महिलाओं की टोली क्षेत्र में एकत्रित हुई। यहाँ उन्होंने नेताओं के प्रति नाराजगी जताई। अनामिका तिवारी ने बताया कि प्रत्येक चुनाव में नेता एवं उम्मीदवार आते हैं, विकास कार्यों के एवं समस्याओं के निराकरण के बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, लेकिन मुझे 25 साल हो गए, एक भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। रोड की हालत ऐसी है कि पैदल चलना दूभर है। नालियों का पानी सड़कों पर व सबके घरों के सामने से बहता है। बारिश के दिनों में जगह जगह जल भराव रहता है। सभी पार्टियाँ आती हैं, विकास के वादे करके जाती हैं, लेकिन कोई भी समस्या का निराकरण नहीं करता। महिलाओं का कहना है कि यदि मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो हम पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम यहाँ जब से रह रहे हैं, जब से इस कॉलोनी की यही हालत है, और हम इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमारी कॉलोनी को हर बार बोला जाता है कि यह हैंडवर्क नहीं है और वोटिंग के लिए आ जाते हैंगे, और जब काम का होता है तो बोलते हैं यह हैंडवर्क नहीं है, इसलिए इसको हैंडवर्क होना चाहिए और यहाँ पर काम होना चाहिए रोड नालियों का। जब ही से मतलब ये वादे किए गए थे कि यहाँ बड़े बड़े काम होंगे, जो भी होगा, लेकिन आज तक मैं खुद भी देख रही हूँ यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। आज यहाँ पर रोड की ऐसी हालत है कि एक सामान्य व्यक्ति बहुत धीरे धीरे चलता है कि कहीं गिर नहीं जाऊँ। गाड़ी पे बैठो तो डर लगता है कि कहीं गिर नहीं जाए। पानी की ये हालत है कि सबके घरों के आगे से पानी निकल रहा है, जैसे नर्मदा जी जाता है, यहाँ पे सब चारों तरफ पानी ही पानी है। ये कब होंगे विकास कार्य और कौन करेगा, हमको आज तक समझ में नहीं आ रहा है। हर पार्टी आती है, बिल्कुल हाथ जोड़ के हमसे बोलती है कि इस बार तो मैं करवा ही दूंगा।